गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, इस तरीके से रिएक्शन ये पेपर में मोस्टली पूछते हैं। इस तरीके से आप लोगों को दे देंगे कि बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रही है, ये हमको बताना है कि यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस तरह की रिएक्शन पूछती है दो नंबर में। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जो बेंजीन है वो रिएक्शन कर रही है एसिटिल क्लोराइड से, और एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रही है किसकी प्रेजेंस में कर रही है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये होता है निर्जल। ये रिएक्शन फ्रीडलग्राफ रिएक्शन होती है और इसके थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एसीटोफिनोन का। ये देखिए, COCH3 ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब देखिए, जब कोई ग्रुप लगता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हुआ होगा रिलीज, जिससे HCl गैस यहाँ से देखिए रिमूव हो रही है, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एसीटोफिनोन का। तो देखिए, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो रहा है, COCH3 ग्रुप बेंजीन पर कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो फिनॉल है, दूसरी रिएक्शन देखिए, फिनॉल यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन कर रही है। देखिए, हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ से जिंक ऑक्साइड ये देखिए रिमूव हो रहा है, ये ZnO आप लोग देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड रिमूव हो रही है और फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बेंजीन का। ये देखिए, बेंजीन ग्रुप बचा हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन गई, ये बन गई बेंजीन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H6। तो हमें पता चल गया यहाँ से फॉर्मेशन हुआ किसका, बेंजीन का। अब देखिए, वो कह रहा है एथिलएमीन है, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HNO2 के साथ। HNO2 के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो हमको बताना है कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, C2H5OH का, इथिल एल्कोहल का, और जो N2 और H2O है वो रिमूव हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, नाइट्रोजन एक, ये देखिए H2 रिमूव हो रहा है, इथिल एल्कोहल बन गया। और देखिए, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ये देखिए ऑक्सीडेशन कराने से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्डिहाइड का। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो देखिए, इसमें बताना है एसिटिल क्लोराइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट और जाइलिन की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को बताना है किसका फॉर्मेशन होगा। तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्डिहाइड का। आप लोग देख सकते हैं, CH3CHO, और देखिए जो HCl है, ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये देखिए ये रिमूव हो रहा है, HCl। तो देखिए, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूछते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप लोगों को इन रिएक्शनों को पूरा करना है। ये देखिए, लास्ट रिएक्शन कैल्सियम एसीटेट है, ये देखिए, जब हम इसको आसवन कराते हैं तो हमको बताना है क्या बनेगा। तो आप लोग यहाँ से देखिए, CaCO3, ये देखिए खड़िया, ये देखिए रिमूव हो रही है, और फॉर्मेशन देखिए किसका हो रहा है, CH3COCH3, यानी एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन 2। और देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से हो रहा है रिमूव, ये क्या है, एसीटोन। आगे आप लोगों को एसीटोन की सारी रिएक्शन कराई है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, प्लेलिस्ट पे चेक करके आप लोग देख सकते हैं, सारी रिएक्शन हो गई है। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये होती है रोजनमुंड रिडक्शन। तो इस तरीके से होती है रिएक्शन। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।